स्थानीय लोगों की सतर्कता के चलते एक मोबाइल लुटेरे को पकड़ लिया गया और जमकर उसकी खरीदारी भी की गई। घटना बोरोपुर थाना क्षेत्र के सागरताल रोड की है। निकिता रावत नामक छात्रा अपनी कोचिंग से पढ़ने के बाद लौट रही थी, तभी बाइक सवार दो युवकों ने उसका मोबाइल लूट लिया। लड़की ने तुरंत ही शोर मचा दिया, जिसके कारण स्थानीय लोग सतर्क हो गए और उन्होंने मोबाइल लूटकर भाग रहे एक युवक को पकड़ लिया। हड़बड़ाहट में एक लुटेरा मौके से पैदल ही भाग निकला। लोगों ने लुटेरे की जमकर पिटाई की और उसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। यह पागलखाने के नज़दीक रहने वाला अनुराग मांझी बताया गया है, जबकि उसका साथी अमित गुर्जर फरार हो गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लड़की की जागरूकता और स्थानीय लोगों की सतर्कता के चलते पुलिस लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर सकी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की उम्र को लेकर भी तस्दीक की जा रही है और अन्य वारदातों में भी इन लुटेरों की छलनिपटा के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। ये कल दोपहर की बात है, एक बच्ची जो है वो कोचिंग जा रही थी, निकिता रावत, तो एक मोटरसाइकिल से जो है दो लोगों ने, लड़कों ने, और उसको धक्का दे करके उसका मोबाइल छीन के भागे, जिसमें शोर मचाने पे पुलिस और रागीरों की मदद से उस लड़के को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पकड़ा, जिस पे से जिसका नाम जो है अनुराग मांझी, लड़के का नाम निकला, वो वहीं का रहने वाला है पागलखाने के पास का, और उसके साथ वाला जो लड़का है वो गुर्जर है, जो कि धौलपुर क्षेत्र का रहने वाला है। तो इसको पकड़ करके आज जो है पूछताछ की गई डिटेल, जिसमें उसका मोबाइल और वो लूट में उपयोग की गई मोटरसाइकिल दोनों जब्त की गई,